हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रैंडम वीडियोस विद निशी को और हिट करें बेल आइकन को जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम वीडियोस विद निशी। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, काले पड़ गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। इसके लिए आपको एक बाउल चाहिए, उसमें पानी ले लें, गुनगुना पानी, वार्म वाटर ले लें। हॉट वाटर नहीं लेना है, आप वार्म वाटर ही लीजिए। उसके बाद आपको इसमें नमक डालना है। इस नमक को अच्छे से मिक्स कर लें। साफ हाथों को इस पानी में डालकर अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे इस नमक को मिक्स करें। इसके अंदर अब मैं टी ट्री ऑयल डाल रही हूँ जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। आप चाहें तो कोई और एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन हाथों को इस पानी के अंदर आपको 5 मिनट तक डुबो के रखना है, यानी सोक करके रखना है। इस स्टेप से आपके हाथों की सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी, आपके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप्स के लिए तैयार हो जाएंगे। हाथ जब आपने पानी में डाले होंगे, साथ ही साथ आपको अपने हाथों को रब करना है। रब करने से आपकी जो हाथों में डर्ट होगी वो इजीली रिमूव हो जाएगी और आपको एक ही स्टेप में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए 1 चम्मच चीनी ले लें। उसके बाद आपको आधा नींबू का रस, लेमन जूस इसमें ऐड करना है। आधे नींबू से उसका जूस निकाल के इस चीनी में डाल लें। नींबू का रस डालने के बाद आपको चम्मच की मदद से अपने स्क्रब को मिक्स कर लेना है और हमारा स्क्रब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हाथों की मदद से आप स्क्रब को ले लें और सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना शुरू हो जाएं। जैसे ही आप स्क्रबिंग शुरू करेंगे, आपके हैंड की, हाथों की जो भी डेड स्किन होगी वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। हमने इसके अंदर चीनी डाली है जो बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करती है। इसके बाद हमने नींबू डाला है इसमें जो बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। अगर आपके हाथ काले हो गए हैं तो इस स्टेप से ही आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके हैंड से टैनिंग भी रिमूव हो रही है। हर एक फिंगर को भी आपने स्क्रब करना है जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। हर एक पार्ट हाथ का आपको स्क्रब करना है। हाथों को हम सुबह से शाम तक यूज़ करते ही रहते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डर्ट रहती है, तो इन्हें स्क्रब करना बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं, उसी तरह से हाथों को स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्क्रब को आप लगभग 2 से 3 मिनट तक करें और इसके बाद वॉश कर दें। अब टर्न है थर्ड स्टेप की, जिसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, नारियल तेल और वैसलीन। अब मैं नारियल तेल को अपने हाथों पे ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई कटोरी या बाउल ले सकते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, लेकिन मैं हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि फट से हाथों में ही लगा देंगे हम। और सेकेंड इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वैसलीन। वैसलीन को कोकोनट ऑयल के साथ आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने हाथों पे लगा देना है। थर्ड स्टेप जैसा है हमारा मॉइस्चराइज, टू मॉइस्चराइज योर हैंड्स। तो इससे बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजेशन होगा हमारे हाथों का। जैसे आप जानते हैं कोकोनट ऑयल एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है
है, और वैसलीन भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। क्यूटिकल्स को भी आपने इस तरह से सर्कुलर मोशन में करना है, बिकॉज इससे आपके नेल्स भी स्ट्रेंथन होंगे, यानी हेल्दी होंगे। और इसको आपको अपने हाथों पे 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। जब ये 20 मिनट के बाद आपके हाथों में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अभी भी अगर आपके हाथों में ऑयल रह जाएगा तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। पानी से वॉश करने के बाद आप इसी तरह से अपने हाथों को लेकर सो जाएं, और सुबह आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा अपने हाथों पे। इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी, ट्रस्ट मी, यू विल गेट फेयर बेबी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हैंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दें, अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।